Drop it. तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस बिजनेस में, स्लीपर मेकिंग बिजनेस में, स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ मैं पहलुओं पे आज विचार करूँगा और बताऊँगा आपको कि स्टेप बाय स्टेप काम करके हम किस तरीके से इस काम को बड़े लेवल पे लेके जाएं। हाँ, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, एंड तक देखें तब आपको पूरा समझ में आएगा। बने रहिए वीडियो के साथ। तो स्वागत है सर आपका जीत मशीन टूल्स कंपनी में। आज हम लेके आ गए एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इस काम को बाय स्टेप स्टेप बाय पूरा काम को हम आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, तो काफी लोगों की डिमांड थी कि सर ऐसा कुछ वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे बनाइए कि पूरा समझ में आ सके, क्योंकि सर मशीन लेने के बाद उनको पता नहीं होता किस तरीके से सेलिंग करना है, किस तरीके से मार्केट करना है, कितना माल लेना है स्टार्टिंग में, किस तरीके से पूरा डेवलप करना है बिजनेस को। तो उसी के कुछ टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा और जितना मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों के लिए पहुंचाऊंगा। तो आइए चलते हैं सीधा मुद्दे पे बात। हाँ, तो बात करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मशीनरी का। क्या होता है कि मशीनरी में अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हम एक मशीनरी, सबसे पहले बेस्ट मायने मशीनरी रखती है। अगर मशीनरी हमारी अच्छी क्वालिटी की है तो हमारा प्रॉपर काम जमने में आसानी होती है। आज की डेट में क्या होता है, मशीनें भी मार्केट में कई क्वालिटी की मिलती हैं, लोग उसके बारे में पूरा बताते नहीं है आपको। मशीन आपको दी गई, ये नहीं बताया मशीन में कितनी सारी क्वालिटी आती हैं। आप सस्ते के चक्कर में मशीन ले लेते हैं, तो सबसे पहले अगर सस्ते के चक्कर में आपने मशीन ले ली तो उससे जो प्रॉपर फिनिशिंग है, जो प्रॉपर कटिंग है, वो हो नहीं पाती आपका। तो सबसे पहले ध्यान, हम जो मेन टॉपिक है हमारा वो है मशीनरी का, क्योंकि मशीनरी का सर ऐसा होता है, मशीनरी वन टाइम परचेज करनी है हमने। इस बात को ध्यान रखें आप अपने अंदर कि मशीनरी हमने वन टाइम परचेज करनी है। तो मशीनरी अच्छी होनी चाहिए आपकी सबसे पहले, क्योंकि मशीन अगर अच्छी होगी तभी तो आपकी प्रोडक्शन निकलेगी, और तब आपकी प्रोडक्शन निकलेगी तो आपका काम भी चलेगा सर, और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ध्यान रहे मशीनरी आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो अगर मशीन की मैं बात करूं तो मशीन, इसमें दो क्वालिटी की मशीन आती हैं। एक आती है मैनुअल मशीन आती है हाथ वाली, और एक आपकी होती है मोटराइज, जो मोटर वाली मशीन होती है। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है, आपको बजट इश्यू करता है इतना कि आपके पास इतना बजट है कि आप बड़े लेवल से काम कर सकते हैं तो करें, अन्यथा ऐसा आप छोटे लेवल से काम कर सकते हैं। छोटे लेवल पे मेरा कहने का मतलब ये है कि हाथ वाले में भी बहुत अच्छे तरीके के प्लांट आते हैं, उन मशीनों से काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपका काम उनसे जम जाए आपकी, और जो प्रोडक्शन उससे निकल रही है पहले वो तो मार्केट में छोड़ जाए आपकी, उसके बाद हम बड़े लेवल पर काम करेंगे। तो सेकंड पार्ट, जो सेकंड अपना नंबर आ जाता है वो आ जाता है रॉ मेटेरियल का। चलो मशीनें तो परचेज कर ली आपने, उसके बाद जो रॉ मेटेरियल है वो कितना लें, किस क्वालिटी का लें, कहाँ से लें, तो ये कुछ माइंड में बंदे के चल रहा होता है, जो कस्टमर होता है, तो ये ध्यान रखा जाए। ज्यादातर जहां से मशीन ले रहे हैं ना, तो सोचें कि रॉ मेटेरियल भी वही प्रोवाइड करा दें, क्योंकि बार बार रॉ मेटेरियल मशीन तो उन्होंने दे दी और रॉ मेटेरियल किसी के पास नहीं, तो भटकना पड़ता बंदे को, तो बड़ी फिर दिक्कत हो जाती है बाद में कि रॉ मेटेरियल कहां से लें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है रॉ मेटेरियल का। तो रॉ मेटेरियल का क्या है, स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रॉ मेटेरियल क्या है, कभी भी स्टार्टिंग में अगर रॉ मेटेरियल ले रहे हैं तो ज्यादा ना लें। आप 15 से 20 हजार रुपए का रॉ मेटेरियल ले सकते हैं, उसमें भी आप मिक्स करा ले सकते हैं कि भाई लाइट का, हैवी का, मीडियम का, तीनों क्वालिटी का माल ले सकते हैं, क्योंकि सर पता नहीं होता कई बार क्या होता है कि आपके एरिया में कौन सा चल रहा है। अब पता ही नहीं आपको आपके एरिया में कौन सा चल रहा है, आप एक तरीके की सीटें लेके चले गए, अब वो वहां नहीं चला तो सीट वाला तो आपसे वापस लेने वाला नहीं है, तो क्या फिर आपको लॉस में चले जाते हैं आप। फिर क्या, स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं आप तो ध्यान रखें 15 से 20 हजार रुपए तक का मैक्सिमम रॉ मेटेरियल लें, पहले सैंपल बनाएं, उनको मार्केट में उतारें, उसके बाद जब आपका काम जम जाता है, लगता है कि ये रॉ मेटेरियल मेरा काम कर रहा है, तो उस रॉ मेटेरियल पर फिर काम करें आप। तो यहाँ पर मैं कुछ सीटों के सैंपल दिखाने वाला हूँ आपको और बताने वाला हूँ, जैसे कि आप, मैं कह रहा बता रहा था वीडियो में भी आपको कि किस क्वालिटी का माल होता है, हल्का कौन सा होता है, लाइट कौन सा होता है, हैवी कौन सा होता है। तो देखो क्या होता है, जो हल्की क्वालिटी में इस तरीके का आता है, ये देख रहे हैं आप, इस क्वालिटी का माल आ जाता है। तो ये क्या है, आप इनको हल्की क्वालिटी का माल, ध्यान रखें आपने जो देना दुकानों पर नहीं देना हल्की क्वालिटी का माल, आपने जो दुकानों पे देना है हैवी क्वालिटी का माल देना है, चाहे आपका मार्जिन 1 रुपया मिले, चाहे 2 रुपये मिले, कुछ भी मिले या ना मिले, स्टार्टिंग में आप दे दीजिए। लेकिन हल्की क्वालिटी का माल क्या है, बाजार में जो डायरेक्ट हैं, गांव में फेरी वाले हो गए, बाजार हो गए आपके,
और भी तरीके हैं सेल्स कराने के, तो वहां कर सकते हैं आप। तो ये इस क्वालिटी का माल आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं सीट का, इस तरीके का सीट आप अपना जहां मैंने बताया डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। बात रही फिर आप जैसे मीडियम में आ जाता है, तो मीडियम में इस क्वालिटी का माल आप दे सकते हैं। ये देखिए लुकिंग अच्छी है, तो ये क्या है कई बार मीडियम में चलता है बंदा लुक मांगता है सीट का, तो लुक के हिसाब से देखो ये सीट इतनी शानदार लग रही है, इस तरीके का माल बना सकते हैं। और ये देखो एक येलो कलर की सीट दिख रही हुई आपको, इस तरीके का माल ये देख रहे हैं सीट का, इस तरीके का सीट का आप माल बनाएं हैवी क्वालिटी का, ये क्या ये आप दुकानों पर रखें तो क्या रहेगा, ये आप डिफाइन कर लें चीज को कि मुझे कौन सा माल कहाँ देना है। ये गलती ना करें, आपने हैवी माल आपने गांव में दे दिया और हल्के वाला माल आपने दुकान पर डाके दे दिया। अब होता क्या है, आपने एक बार दुकान वाले को माल दे दिया तो वो क्या है वो चलेगा नहीं, सीधी सी बात है। जब हल्की क्वालिटी का रहेगा सस्ता सोचेंगे, आपको सस्ता बनकर तैयार हो तो सस्ता, तो आपको सीधी सी बात है बेकार क्वालिटी का ही माल मिलने वाला है। अब वो माल तो आपका चलने वाला है नहीं दुकान पे। आपने एक दुकान पे अगर 10 जोड़े दिए और उसमें से 3 दिन में टूट के उसके पास आ गई, तो वो सारा माल आपको रिटर्न कर देगा दुकान वाला, तो फिर क्या आपका काम जमने से पहले खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखा जाए सर, मैं सबके लिए बता रहा हूँ ये कि माल अगर दुकान पे देना है तो हैवी क्वालिटी का देना है, चाहे जो मार्जिन मिले वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सर ऐसा नहीं है जमने में किसी भी काम को टाइम लगता है। आपका ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं है कि कोई भी काम आप कर लें और वो साथ साथ जम जाए, नहीं, मेन काम सेलिंग का ही है। तो क्या है ध्यान रखा जाए कि जब आप काम जमा रहे हैं तो तरीके से जमाए काम पूरा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपका दो पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ, मशीनरी का और रॉ मटेरियल का, दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूँ यहाँ पे तो मेन जो पॉइंट है वो है मार्केटिंग का, मतलब सेल्स कैसे करनी है। तो इसमें क्या है, आप मार्केट अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि अपना कोई मार्केटिंग के लिए बैनर छपवा सकते हैं आप, टेम्पलेट जो होते हैं वो करा सकते हैं अपना, एक तो ये हो गया प्रोसीजर आपका। दूसरा आप अगर ये कार्ड बनवा सकते हैं अपने नाम से, अच्छी तरीके से पैकिंग कर सकते हैं उसको, चाहे तो डब्बे के अंदर वैल्यू तो बढ़ेगी इसमें, आपका खर्चा तो बढ़ेगा लेकिन एक तरीके से आपका माल जाएगा ना, तो वो इंप्रेशन पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है सर, चाहे चप्पल किसी भी क्वालिटी के अगर अच्छे डब्बे में रखोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन उसी का बढ़ जाता है दुकानदार पे। तो क्या इस तरीके से आप अपना से कर सकते हैं। और तो सर मैं ये आप अपना सैंपल लेके जाइए दुकानदार के पास, उनको दिखाइए, स्कीम निकालिए कुछ चीजों की, तो इस तरीके से आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप मान लीजिए आपके सैंपल पास हो गए, आपने अपना सैंपल दिखाया, उसके बाद आपके पास ऑर्डर आ गया है, तो ये गलती ना करें, जो आपने ऑर्डर में सैंपल में दिखाया है सेम वैसा ही माल बनाए। उसको क्या है, अगर सेम बढ़िया ऐसा ही माल मिलेगा तो वो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा, सीधी सी बात है। ऑर्डर जो टाइम लिया है उससे पहले देने की कोशिश करें। तो दोस्तों जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, अगर इस तरीके से आप चलते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और दूसरा क्या, इस तरीके से चलने के साथ आपका काम आगे बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, फिर आप इस बिजनेस में फेल होने का तो मतलब ही नहीं है सर आपका। अब पास होना 100% है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा किस तरीके से करना है। तो दोस्तों अगर किसी भी तरह का आपको रॉ मटेरियल मशीन कुछ भी चाहिए हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे सर नंबर फ्लैश हो रहे हैं पूरा, तो हम जो आपका काम है वो बढ़िया तरीके से करा देंगे, क्योंकि सर हम बहुत पुराने इस लाइन में हैं, मास्टर हैं इस लाइन के। दूसरा क्या है, एसी अवार्ड विनिंग कंपनी है, तो बहुत कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको अगर ये पसंद आई है वीडियो, तो कमेंट में अगर और कुछ चाहते हैं आप कि इससे रिलेटेड और कोई वीडियो आनी चाहिए जिसपे आपको कुछ जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस पर आपका सोल्यूशन जरूर निकाल के दूंगा उसका। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।